ओके वेलकम गाइस, वाइन ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था फॉर्म बनाना, जिसकी थ्योरी क्लास हम लोगों ने देख ली थी। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि फॉर्म को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फोल्डर पे, सबलाइन टेक्स्ट पे। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी होम के नाम से। चलिए भाई, लिंक डॉट html बना हुआ है, एक और फाइल हम लोग बना लेते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट ओपन हो गया, इसको हम यहां से क्लोज कर लेते हैं भाई। चलो एक नई फाइल यूज करते हैं, कंट्रोल एन सेव कर लेते हैं। अब इसको हम लोग लेते हैं फॉर्म डॉट html। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, html टैग से टैग बनाते हैं, html लिखते हैं, एंटर करते हैं। आपका ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ html है, वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉडी टैग। अब हमको क्या बनाना है, फॉर्म। फॉर्म बनाना है तो चलिए हम लोग फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, फॉर्म टैग इस्तेमाल करना है। ठीक, अब फॉर्म टैग इस्तेमाल करना है, चलिए इसके एक हेडिंग भी दे देते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ s3, उसको दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या दे देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए भाई, अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए नेम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा नेम, नेम लिखा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ये आ गया इनपुट टाइप। टाइप में हम क्या दे देते हैं भाई, टेक्स्ट दे देते हैं, क्या हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो। इसके बाद हम क्या दे देते हैं भाई कि चले नेम, नेम यहां पे हम दे देते हैं फर्स्ट नेम, इसका नाम रख देते हैं। इसकी मैक्सिमम साइज क्या कर देते हैं, मैक्सिमम साइज, चलो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्या मैक्सिमम साइज इसकी कितनी हो। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, मैक्स लेंथ, और ये 15 कैरेक्टर का हो, पहला जो इसका वो हो, वो कितना हो, 15 कैरेक्टर का। तो चलिए भाई, ये आपका इनपुट बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा इनपुट लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इनपुट टाइप टाइप पे यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, मिडिल नेम देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं भाई, मिडिल नेम, मिडिल नेम दिया। इसकी भी आप मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हैं, मैक्स लेंथ, यहाँ पे मान लो हमने 10 कैरेक्टर दे दिया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई, सेम चीज है, क्यों बार बार लिखें। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम दे दिया। अब ये हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले नेम लिखा रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फिर तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा। चलिए
इसको एक बार हम आपको रन करा के दिखा देते हैं किसका आउटपुट क्या आएगा। फॉर्म डॉट एच टी एम एल भाई कहाँ बना हुआ है, हमने शेप कहाँ किया है, आपकी फाइल कहाँ गई भाई। ये एंगुलर जीएस के फोल्डर में आ गया है, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। चलिए भाई इसी फोल्डर में रहने देते हैं। इसको ओपन विद कर लेते हैं भाई क्रोम। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्म बन के आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके नीचे आपके इनपुट टेक्स्ट है, नेम है, ठीक है। चलो इसकी जूम बढ़ा देते हैं ताकि आपको वो दिखे, अब शायद दिख रहा होगा। नेम है आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब इससे पता नहीं चल रहा है कि इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। तो HTML 5 में एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम यहाँ पे ही यूज कर लेते हैं। चलिए अगर हमको वो एट्रीब्यूट यूज करना है, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, प्लेस होल्डर। यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे भी प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे दे देंगे मिडिल नेम। फिर क्या दे देते हैं भाई, चले लास्ट नेम, सॉरी प्लेस होल्डर यूज करिए। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, लास्ट नेम। इसको सेव करते हैं, वापस इसको रन कराते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और जैसे ही क्लिक करोगे इस पे, अगर आपने कुछ लिखा, जैसे मैं लिखता हूं बाइनरी टेक, मिडिल नेम में दे देता हूं टेक, अपने आप प्लेस होल्डर हट जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रयाग राज। अब देखिए ये तीन फील्ड ले लिया, ठीक है, और तीनों फील्ड में हमने वैल्यू डाल दी। अब ये आपका बन गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पहला कॉलम, ठीक है। चलिए अब हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं भाई, br टैग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक इनपुट टाइप और लेते हैं, किसके लिए, फादर नेम के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहीं से हम क्या कर देंगे भाई, इसको कॉपी करके यहां पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। अब इसमें हम मैक्स लेंथ नहीं देते हैं, चलिए इसका मैक्स लेंथ हम कर देते हैं 35 कैरेक्टर का हो। यहाँ से फर्स्ट नेम हटा के यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में क्या कर देते हैं, फादर नेम कर देते हैं, फादर नेम। अब ये देखिए आपका आ चुका है। इसके बाद क्या होता है कि हम अगला बनाते हैं, चलिए यहाँ पे हम br टैग यूज कर लेते हैं। हमने क्या यूज किया, br टैग, और यहाँ पे हम बनाते हैं मोबाइल नंबर। क्या बनाते हैं, मोबाइल नंबर के लिए बनाते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इनपुट टाइप लगाएंगे, ठीक है,
यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है, नेम चेंज कर देना भाई, हमने चेंज नहीं किया है, यहाँ पे हम कर देते हैं। वैसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज कर दीजिए ताकि ये दिखता रहे। ये 15 कैरेक्टर का हो, यानी 10 नंबर का कर देते हैं, 10 से अधिक ना ले। प्ले होल्डर में हम क्या डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, मोबाइल ठीक है। अब यहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, BR यूज कर लेते हैं फिर से ठीक है। और यहां पे इसको क्लोज करते हैं, अब एक बार रन करा लेते हैं भाई। चलिए कंट्रोल टैब किया, थोड़ा सा इधर उधर आएगा आप लोग, ये देखिए फादर नेम मोबाइल नंबर ये आपका आ गया, लेकिन ये सटा हुआ है बहुत ज्यादा। एक और लगा देना भाई, BR लगा देना, लेकिन इसका थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ रहेगी, किसकी इंडेक्सिंग बहुत इधर उधर रहेगी, जिसको आप टेबल में बनाओगे तो वो आ जाएगी। टेबल में भी आप यूज कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम केवल ये आपको सिखा रहे हैं, बाकी आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसकी साइज को सुधार सकते हैं ठीक है। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है। अब हम आपको जो चीज समझाना चाहते हैं उसको समझिए आप लोग, कि अब हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया मोबाइल नंबर, तो इस पे हम कुछ भी डालें, क्या डालें, टेक्स्ट डालें, तो 10 कैरेक्टर ये टेक्स्ट लिया, इसके बाद ये कुछ नहीं लिखेगा ठीक है। अगर हम नंबर टाइप करें तो 10 नंबर हो जाएंगे, इसके बाद वो कुछ नहीं लेगा। लेकिन गाइस कि ये हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर ही है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, कि हम यहाँ पे इनपुट टाइप जहाँ टेक्स्ट लिए हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं नंबर। हमने इनपुट टाइप क्या कर दिया, नंबर कर दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे अगर हमने नंबर डाला तो वो क्या करेगा, नंबर लेगा ठीक है। देख रहे हैं हमने क्या डाला, इनपुट टाइप नंबर डाला तो वो नंबर लेगा। अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं ठीक है। इसकी मैक्सिमम लेंथ को हम नहीं कर सकते, यहां से आप बढ़ा घटा सकते हो। फिलहाल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। फिलहाल हमने आपको दो तरीका बताया इनपुट करने का, नंबर, आप नंबर को कैसे इनपुट करते हो, ये दो तरीके हैं। चलिए भाई अब ये नंबर हो गया, चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो अब मोबाइल नंबर हमने दे दिया, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ DOB, किसी का DOB लिखना है। चलिए भाई हम लिखेंगे D.O.B ठीक है। अब DOB के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप चाहे अलग अलग इनपुट दे दो, यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, इनपुट टाइप में टेक्स्ट नेम को इस बार हटा देते हैं, मैक्स लेंथ इसका 2 कैरेक्टर दे देते हैं ठीक है। यहाँ पे हम 15px कर देते हैं ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसके बाद में लिख देता हूं DD ठीक है, डैश करके हमने लिख दिया DD। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, अब इसको हम पेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसको हम कर देंगे MM, ठीक है। फिर हम पेस्ट कर देते हैं, इसकी मैक्स लेंथ हम कर दे रहे हैं 4, और यहाँ पे हम कर देते हैं Y, ठीक है। अब BR लगा देते हैं भाई, लाइन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, एक बार और लगा दो ताकि स्पेस रहे। चलिए भाई BR लग गया, अब इसको सेव करते हैं, यहाँ से चलते हैं, वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए DD मंथ और बन गया ना DOBD, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे हमने डाला 14, अब इसके आगे कोई भी नंबर डालेंगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे 08, इसके बाद 1980 मान लो ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। तो इससे आप एक तरीके से ये DOB बना सकते हो। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन को कैसे बनाते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ड्रॉप डाउन हम आपको बना के सिखा रहे हैं, बाकी आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं भाई, कमेंट करने के लिए टैग लगाया, और यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, सॉरी एक्सप्लेनेशन मार्क भूल गया, ये लगा दिया, और ये क्या हो गया भाई, यहाँ तक कमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे हमें बनाना है, तो हमने क्या लगाया, सेलेक्ट टैग यूज करेंगे, SELECT सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन आ गया भाई। अब यहां पे हमने दे दिया, मान लीजिए पहला हमारा क्या हो, DD हो। अब इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, कुछ डेट तक ही हम बनाते हैं भाई, चलिए यहां पे हमने लिख दिया 01, 02, 03 और 04। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, वापस रन कराते हैं। अब देखिए ये DD बन के आ गया ना, कि इस ड्रॉप डाउन में क्या है, DD है। तो अब इसको आप आइए, अगर 1 है मान लो 2 तारीख को, तो ये 2 सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे आप मंथ का बनाओगे, ऐसे आप ईयर का बनाओगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है। मंथ और ईयर पे आपको बनाना है, तो इसके लिए फिर से आप सिलेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका नंबर 2 हो गया। चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं भाई, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क डबल डैश, और इसको हम क्या कर देते हैं भाई, ऊपर चलते हैं, इस सेलेक्ट को यहां से हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिलहाल इसके स्पेस को कम कर दो ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और इसको लगाया और इसको बंद किया, अब ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप में देंगे डेट, और नेम को हटा दो भाई, नेम की हमें आवश्यकता नहीं है, दे भी सकते हो, चलो हम यहाँ पे दे देते हैं डेट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे किया सेव, अल्ट टैब, वापस इसको हम रन कराते हैं, ये देखिए अब आपका बन गया। ये बाय डिफॉल्ट जो लेता है आपके सिस्टम के हिसाब से मंथ डेट और YY ईयर। अब इस पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर आपको खुल के मिलेगा, ये कैलेंडर जैसे आप देख रहे हो, ये आज का डेट दे रहा है टुडे का, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसको कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 10, तो अब हमने डाला 12/9/2021, 9 तारीख 12 महीना और 2021। यहाँ कैलेंडर से आप उस ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे स्क्रीन में छिपा हुआ है, ठीक है। डेट को सिलेक्ट कर सकते हो और मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका बन गया। क्लियर करना चाहते हो क्लियर कर दो, वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इस तरह से आप अपने डीओबी को बना सकते हो। तो कम समय में अगर ज्यादा आपको जल्दी बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए भाई अब हम लोग बात करेंगे जेंडर की। ठीक है, जेंडर में हम लोग कैसे अपने उसको बनाते हैं, यहाँ पे मैं बीआर यूज कर लेता हूँ, बीआर टैग। मतलब अब हम लोग बनाएंगे रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे बनाया जाता है भाई, रेडियो बटन के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका, जेंडर लिख देता हूं मैं, जेंडर। और यहां पे हम लेंगे इनपुट टाइप में दूंगा मैं रेडियो। ठीक है, नेम, नेम में मैं दे दूंगा यहां पे जेंडर। वैल्यू वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू हमने यहां पे दे दिया मेल, क्योंकि मेल के लिए बना रहे हैं कि आगे हमने लिखा मेल। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर ये ऑलरेडी चेक्ड हो, चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको हमने क्या कर दिया भाई, कॉपी किया इसको, मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट कर दिया। रेडियो नेम जेंडर ही रखेंगे, यहां पे हम क्या कर देंगे फीमेल कर देंगे, फीमेल। ठीक है, अब यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे फीमेल। ठीक है, अब इसको हम सेव करके वापस आपको रन करा के दिखाते हैं। अब देखिए ये बन गया ना मेल एंड फीमेल, ये हमारा जेंडर बना हुआ है। अगर मेल पे क्लिक करते हो तो फीमेल रहेगा, अगर आपने फीमेल पे क्लिक किया तो मेल से हटके कहाँ जाएगा फीमेल। गाइस इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों का नेम सेम रखोगे, अगर नेम डिफरेंट रहा तो अलग अलग रेडियो बटन बन जाएगा, तो वह सबके लिए काम करेगा। आपको क्या करना है कि जब नेम सेम रखोगे तो एक बार नेम की वैल्यू उसे मेल मिली, जब आप दूसरी बार क्लिक किए फीमेल पे तो वो मेल से हट जाएगा, क्योंकि नेम की वैल्यू क्या मिली उसको फीमेल वाली मिली। तो इसलिए आपको नेम क्या रखना होगा सेम रखना होगा। चलिए एक चीज और है, अगर हम चाहते हैं कि मेल वाला ऑलरेडी चेक्ड रहे तो हम यहाँ पे सीएचई के चेक्ड कर देते हैं। अब देखिए इसको रन करा के वापस देखते हैं तो ये देखिए मेल ऑलरेडी चेक्ड है, लेकिन जैसे ही आप फीमेल पे क्लिक करोगे तो मेल हट जाएगा। तो ये आपने सीख लिया कि हम रेडियो बटन कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चेकबॉक्स बनाते हैं, हम यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या बनाना है, इनपुट चेक चेकबॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, सेलेक्ट योर कोर्स। ठीक है, कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे चेकबॉक्स बनाते हैं इनपुट टाइप में दे देंगे चेकबॉक्स। ठीक है, नेम दे सकते हो, हम कुछ नहीं देंगे, यहां पे हमने लिख दिया ओ लेबल। ठीक है, बी आर यूज कर लो। इसके बाद नीचे आते हैं, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं भाई, कॉपी किया पेस्ट कर लेंगे, यहां पे आते हैं हम करते हैं ए लेबल, नेक्स्ट बी लेवल, नेक्स्ट सी लेवल, और यहां पे हम ट्रिपल सी। ये हमारे चेकबॉक्स बन गए, चलिए इनको रन कराते हैं। ठीक, अब गाइज ये देखिए
सेलेक्ट योर कोर्स, ओ लेवल ऊपर चला गया भाई, इसको नीचे कर दो बीआर लगा के, ठीक है। ओ लेवल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ए लेवल भी कर सकते हो, सी लेवल भी कर सकते हो। यानी अगर आपको मल्टीपल चॉइस देखना है, मल्टीपल चॉइस करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दो में से किसी सिंगल चॉइस को करना है, तो आप क्या बनाते हो, रेडियो बटन बनाते हो, ओके। तो गाइज ये हो गया आपका चेक बॉक्स, ठीक है। चलिए अब आपको हमने ड्रॉप डाउन तो बता दिया कि ड्रॉप डाउन आपका कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद ड्रॉप डाउन आप बना लोगे सिलेक्ट का यूज करके। चलिए एक और हम दिखा ही देते हैं आपको कि ड्रॉप डाउन आप कैसे बनाते हो। फिलहाल हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं नीचे कोड में। यहां पे और एक और बीआर यूज कर लेते हैं, इंटर, इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं। यहां से इसको हम अनकमेंट करते हैं, यहां पे इसको अनकमेंट करते हैं। अब यहां पे डीडी की जगह हम लिखेंगे सेलेक्ट योर सिटी, यहां पे हम दे देंगे प्रयागराज, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है आगरा, फोर्थ है आपका लखनऊ, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, अल्ट टैब रन कराते हैं। अब इसको हम लोग नीचे आते हैं, ये लिख के आया लास्ट में, आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट योर सिटी, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सिटी का नाम आपको दिखेगा, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, जो भी आप सिटी को सिलेक्ट करते हो वो वैल्यू आपकी भर जाएगी, ठीक है। तो इस ढंग से आप क्या बना सकते हो, ड्रॉप डाउन बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे हम बीआर यूज कर लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं कमेंट के लिए एक टेक्स्ट एरिया। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, कमेंट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बीआर भी यूज कर लो ताकि जो बॉक्स आए वो सही आए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इनपुट टाइप में टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे रोज एंड कॉलम, रो इज इक्वल टू 10, कॉल इज इक्वल टू 20, ऐसा कर दो भाई, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं ब्राउजर पे और रन कराते हैं। ये बन के आया भाई सेक्शन आपका, ठीक है। इस सेक्शन में आप भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो भाई, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बना सकते हो, सॉरी टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, ओके।
चलिए भाई इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब फाइनली हमको क्या बनाना है, बटन बनाना है। बटन आपके हमने तीन बताए थे, चलिए बटन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप, टाइप में आप बटन भी दे सकते हो। अगर आपने बटन दिया, क्या दिया, बटन दिया, तो यहाँ पे नेम देना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सबमिट। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, बटन को क्लोज करोगे। सॉरी, बटन टैग यूज करेंगे, हम इनपुट टाइप यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, बटन टैग, ये है, इसको सबमिट दिया। यहाँ पे हम किसको क्लोज करेंगे, बटन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका बटन बन चुका है, जिसपे क्या लिखा होगा, सबमिट लिखा होगा। नीचे आते हैं, ये देखिए सबमिट बटन बन गया, इस पर क्लिक करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक, यानी वो रिफ्रेश हुआ। चलिए भाई अगला हम लोग इसको देखते हैं कि इनपुट टाइप से हम कैसे बटन बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप, टाइप में हमने दे दिया सबमिट। यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया सबमिट। ठीक, अब इसको हम सेव करते हैं, अल्ट टैब रन कराते हैं। इसको बैक कर लो भाई। ये आ गया बटन, इनपुट टाइप सबमिट। अब सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब इसका एक और टाइप होता है, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, वो है इनपुट टाइप रीसेट। क्या रीसेट नाम का एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे रीसेट। ठीक है, अब देखिए एक और बटन बन के आ जाएगी, लिखा रहेगा रीसेट। नीचे आते हैं, देखिए एक सबमिट आ गया, दूसरा ही क्या आ गया, रीसेट आ गया। अब देखिए सबमिट और रीसेट में क्या फर्क है, जैसे हमने यहाँ पे नाम डाला ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, फादर नेम ए एस डी, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई डेट। ठीक है, जूम कम करो, चलो फिलहाल हम 2021 को ही कर देते हैं, 29 दिसंबर 2021 मेल है इनका, ये कोर्स है, ये अवेलेबल है। जब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, कोई कमेंट देना है दे दिया, सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेटा आपका चला जाएगा और वो यहाँ पे गेट मेथड में ऊपर शो करेगा, जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पे वो से करेगा कि नेम इज इक्वल टू क्या है। और जब आप रीसेट करते हो, पूरा का पूरा डेटा इसका गायब हो जाएगा। तो फिलहाल चलो यहाँ पे सबमिट करके देखो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, फर्स्ट प्लस नेम इज इक्वल टू यहाँ पे ए है, मिडिल प्लस नेम इज इक्वल टू बी, लास्ट नेम, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जो जो आपने भरा हुआ है। चलिए इसको हम एक बार बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा डेटा गायब हो गया, तो ये सबमिट और रीसेट है। ओके गाइस, एक और टाइप होती है जो कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए यूज होती है, उसको हमने आपको नहीं बताया है, वो आपको हम लास्ट में बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम बी आर यूज कर लेते हैं, बी आर फिर से एक और ले लेते हैं ताकि वो अलग ही रहे। ठीक,
आपको हमने पढ़ाया है इसलिए आपको बता रहे हैं। हमने यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड लिखा, इसके आगे हम लिख देते हैं पासवर्ड। जरूरी नहीं है, आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। सेव करते हैं और टाइप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको नीचे आइए, ये लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है। इसकी जूम थोड़ा सा हम कम कर देते हैं यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, ये है, तो पासवर्ड यहां पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं। अब ये देखिए डॉटेड आ रहा है ना, पासवर्ड आप कुछ भी टाइप कर रहे हो डॉटेड दे रहा है, इसी को बोलते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। तो इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे अब देखिए हमने छोटा कर दिया, अब इसको फिर से पासवर्ड टाइप करेंगे तो सब जगह आपका स्टार बन गया। गाइस फॉर्म में सिर्फ इतनी चीजें होती हैं, इस तरह से आप बॉक्स बनाते हो, इतने सारे आपके बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है, ड्रॉप डाउन होता है। मैंने आपको पूरी चीज डिस्क्राइब कर दी है। इसके और HTML फॉर्म में इसमें क्या वैलिडेशन कर सकते हैं, क्या और चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम लोग जब HTML 5 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस आज हम लोग आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि HTML में फ्रेम कैसे बनाया जाता है, फ्रेम पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग आपका HTML अब खत्म होने के कगार पे है और जल्द ही हम आपको ये CSS की वीडियो स्टार्ट करें, CSS की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।